प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं में शामिल विभिन्न विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्वक समय से पूरा करें तथा सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का काम करें, जिससे लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। और ये किसी दिन बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट के रूप में से निकल के आएगा और फिर कार्रवाई होगी। मेरा अनुरोध है सर, कृपया करके सर इसको रिजॉल्व करा दें, ताकि नगर निगम और बाकी नगर निकाय में भी हमें जमीन सब लीज करा करा करके सबका DPR भेजा होगा। पता है हमारे यहाँ एक वृद्ध को संरक्षण के पार्सल को सब तैयार हो गया, वहाँ लोकार्पण हो गया। नमस्कार सर, दिस इज आपके पांडे फ्रॉम बिजनौर। सर अनुमति मिल जाए, इसकी अनुमति कल भेजिए, आपको मिल जाएगी, एक लेटर भेजा हमने। थैंक यू सर। बस हम फ्री वाला पूरा हो गया, दूसरा मार्च परसेंट हो गया, वो 15 अक्टूबर का मार्च हो जाएगा। सीसी में स्वागत है। कुछ मैं सामान्य बातें आप सभी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। बड़े सरकारी की जनता जिलों में जा रहे हैं, कुछ बिंदुओं पर विशेष रूप से चिंता प्रकट की गई है। एक को जैसा आप जानते हैं कि सरकार की सबसे जो पहली प्राथमिकता है वो स्वस्थ प्रशासन की है। यद्यपि इस दिशा में बहुत प्रगति हुई है, बहुत अच्छा जिलों में आया है कि बढ़ा, लेकिन अभी भी कुछ जिलों में 3-4 जिलों के नाम है, वहां नाम भी लेना चाहता हूँ, लेकिन 3-4 जिलों के नाम आए हैं जहां इसमें कमी पाई गई है।